NH-119 दिल्ली पौड़ी राज्य मार्ग पर बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरने के कारण कार चला रहे एक सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक सिपाही के घर वालों को दे दी है, जिसके बाद से मृतक घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन में बनी चौकी में प्रदीप नाम का सिपाही नियुक्त था। बीती रात 3 बजे के आसपास सिपाही अपनी निजी कार से बेराज रोड पर जा रहा था। अचानक कार अनियंत्रित होकर एक गहरे खड्डे में जा गिरी। इस हादसे में सिपाही दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पहुंचकर मृतक का पंचनामा भरकर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में सिपाही की मौत हुई है। न्यूज फ्रीडम के लिए बिजनौर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। ये रात करीब 3:30 बजे के आसपास जो है एक हादसा हुआ, जो बैराज रोड पर जो है एक पुलिस वाले जो थे प्रदीप कुमार जी, ये गाड़ी से जा रहे थे तो उनके बैराज के पास जो गाड़ी पलट गई है और इनकी जो पोस्टिंग नजीबाबाद पुलिस चौकी के पास है। आज जैसी गाड़ी पलटी है उनकी जो यहाँ पर, जब उनको 3:50 के आसपास जिला अस्पताल लाए गए तो तभी ग्रो गया। अस्पताल पर कोई और भी घायल है इसमें, अभी इसके बारे में जानकारी।